नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 650 ग्राम हेरोइन बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहल सहयोग की शुरुआत। जालंधर लद्देवाली फ्लाईओवर का विधायक रमन अरोड़ा ने किया अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ दौरा, उद्घाटन में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर देहात पुलिस की सीआईए स्टाफ की पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की स्मगलिंग करने वाले 3 व्यक्तियों को 650 ग्राम हेरोइन सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात पुलिस मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि सीआईए स्टाफ जालंधर देहात के इंचार्ज इंस्पेक्टर पुष्प बाली ने गुप्त सूचना के आधार पर विधिपुर चौक में नाकाबंदी के दौरान इन 3 आरोपियों को काबू किया है, जिनकी पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा निवासी गोपाल नगर जंडियाला गुरु जिला अमृतसर, रशपाल सिंह उर्फ भापा निवासी थाना घरिंडा जिला अमृतसर और राजदीप सिंह उर्फ राजा निवासी थाना घरिंडा जिला अमृतसर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से गुरप्रीत सिंह और राजदीप सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर रूरल एसएसपी दे इंस्ट्रक्शंस से, एसएसपी सर दे ते डीजी सर दे इंस्ट्रक्शंस से जिहड़ी ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स चल रही है, उहदे विच सीआईए स्टाफ ने कुल 650 ग्राम हेरोइन की रिकवरी की है ते 3 सस्पेक्ट्स नूं अरेस्ट किया। ये पहला एक बंदा सी गुरप्रीत गोपा, ओदी इनफॉरमेशन मिली सी कि वह ड्रग स्मगलिंग ते वेचण दा काम करदा। वो सीआईए स्टाफ इंचार्ज वालों पुष्प बाली जी वालों नाका ला के उन्नू विधिपुर चौंक मकसूदा थाने दे एरिया चो अरेस्ट किया गया ते 100 ग्राम हैरोइन की रिकवरी हुई सी। उन्हें फिर अपने अगे 2 साथियों बारे दस्या सी, रशपाल पापा ते राजदीप राजा, उन्होंने अरेस्ट किया गया अपने अपने घरों ते उन्होंने अपनी क्वेश्चनिंग विच डिस्क्लोजर स्टेटमेंट विच फर्दर सानू 550 ग्राम हेरोइन की रिकवरी कराई। मैंने कितों लेके आई सी, इन्होंने कितने डिलीवरी देनी सी? इन्हों का मोडस ऑपरेंडी यह है कि ये पाकिस्तान तो जो ड्रोन ड्रॉपिंग्स होंगे हैं वो थ्रू ये ड्रग्स उतों मंगवाते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट्स बारे भी असं वेरीफाई कर रहे हैं तो अगे फिर कई जगह बेचते हैं। बैकग्राउंड जी ये जरा गोपा है इस ते पहला भी परचे दर्ज है, इन्हां चो 2 ते पहला परचे दर्ज है, तीजा एक साबका सरपंच दा हस्बैंड है। ये किन्नी देर तू काम कर रही है? ये सारा जी तफ्तीश विच असीं वेरीफाई कर रहे हैं, जे पहला भी परचे हैं ये जने करता रहे हैं, बाकी असीं वेरीफाई करवा रहे हैं। जालंधर में प्रभावी और जवाबदेही पुलिसिंग की ओर से अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने गत दिवस औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल सहयोग की शुरुआत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट फोकल पॉइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी उद्देश्य औद्योगिक जोन में सुरक्षा को मजबूत करना है, जिसके लिए जरूरी साधनों के साथ साथ लेस गश्त टीम तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि फोकल पॉइंट क्षेत्र को 6 ब्लॉक्स को 2 बीटों में बांटा गया है, जिसमें 4 वाहन नियमित तौर पर गश्त करेंगे और प्रत्येक क्षेत्र के कवर करने के लिए 2 अधिक वाहनों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर टीम में 4 सुरक्षा गार्ड और 1 पुलिस मुलाजिम फर्स्ट एड किट, हथियार, आग बुझाने वाले यंत्र, टॉर्च, वायरलेस सेट सहित अन्य सामान से लैस होगा। उन्होंने कहा कि इन टीमों ने पुलिस लाइन जालंधर में 2 दिन की व्यापक सिखलाई मॉड्यूल से ट्रेनिंग ली है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि टीमें किसी भी सुरक्षा चुनौतियों और जरूरत पड़ने पर प्रभावशाली ढंग से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। इस मौके पर फोकल पॉइंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान
नरेंद्र सग्गू ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जलंधर और फोकल पॉइंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बीच सहयोग उद्योगपतियों को सुरक्षित भावना देते हुए आपसी सहयोग को उत्साहित करेगा। पुलिस और आम लोगों की सांझ को मजबूत करने के लिए ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इट इज ऑल अबाउट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। फोकल पॉइंट कितनी 150 हाउ मच 300 के करीब एंड अक्सर ये देखा गया है कि इतने जब भी तनख्वाह मिलती है या देर सवेर जो कारीगर हैं मजदूर हैं आते जाते हैं तो कुछ ना कुछ वारदात होती है। नाउ इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 300 दी 300 पॉइंट्स जड़े हैं वो पुलिस कवर कर सके। सो एक पहला तो चलते सी सगू साहब ने एक बार पहला भी किया सी ते मुंडिया नूं रोजगार भी मिले, कॉन्ट्रीब्यूशन जी है इंडस्ट्री की भी है, फोकल पॉइंट जी सारी चौंकी है वो नोडल पॉइंट बनाया गया है, एक एक मुलाजम साडा भी गड्डी च बैठ बैठा करूगा, नाइट पेट्रोलिंग किया करेगा। समय की है किन्ने तो किन्ने बजे से? ये 10 to 5, 4 तक है लेकिन आप एक्सटेंड करेंगे 9 to 5 तक। किन्ने मुलाजम टोटल रहेंगे इसके बीच? जितनी गड्डियां होंगी उतने मुलाजम। नहीं, एक गड्डी में कितने मुलाजम होंगे? एक तो साडा मुलाजम होगा, एक ड्राइवर हो गया जी, तीन जड़े हैं वो वेपन वगैरह नाल वेपन साडे मुलाजम, ठीक है। वेपन हो गया, ड्रैगन लाइट होगी, टॉर्चेस होगी, फ्लिकरिंग लाइट्स होगी, जैकेट्स हो गई, इन्हों की ट्रेनिंग भी दी है जो मुंडे हैं प्राइवेट मुंडे हैं कि अगर किसी इंटरसैप्ट करना है, गल करनी है, किमें करनी है, कोई शकी बंदे जब आते हैं या दिखते हैं तो किमें उन्होंने घेरना है, किमें कुछ नहीं करनी है। फिलहाल फोकल पॉइंट फोकल आने वाले समय सिर्फ फोकल पॉइंट जिते जिते इंडस्ट्री है, जिम्मे गदाईपुर भी है। सो वर्करां नाल वारदातां हो रही सी ते असीं उहदी साहब को गए सी ते इक इह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दा इक फार्मूला निकलिया कि इस तरह असीं कर लैंदे आ, उह सानूं भी बड़ा ठीक लगा और साडे ते कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं हैगी। ਸਭ ਸਭ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਮਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਵਰਕਰ ਲੜ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 500-800 ਵਰਕਰ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ 2000 ਵਰਕਰ ਆ, ਤੋ ਲੜ ਪਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ। जालंधर लद्दे वाली फ्लाईओवर लगभग बनकर तैयार है और उद्घाटन के इंतजार में है, जिसका विधायक रमन अरोड़ा ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर दौरा किया। इस दौरान फ्लाईओवर उद्घाटन में आ रही अड़चनों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि फ्लाईओवर ना खोलने का मुख्य कारण फ्लाईओवर की ऊंचाई के पास हाई वोल्टेज तारों का निकला होना है।
जिसे जल्द हटाने और ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया गया है और उनके साथ बातचीत करके दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये फ्लाईओवर जल्द ही खोल दिया जाएगा। जालंधर महानगर के पठानकोट चौक के पास सी फिश टनल कार्निवल की ग्रैंड ओपनिंग हो गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्निवल के आयोजकों ने बताया कि उन्हें ये बात साझा करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि वे जालंधर में अपने इस तरह के अनूठे सी फिश टनल कार्निवल का आयोजन करने जा रहे हैं। कार्निवल में जालंधर वासियों के मनोरंजन का खासा प्रबंध किया गया है, जिसमें बच्चों को कई तरह के झूले और राइड्स का लुत्फ उठाने को मिलेगा। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के मनोरंजन का भी कार्निवल में विशेष प्रबंध किया गया है। जायकेदार और लजीज व्यंजनों के दीवाने जालंधर वासियों के लिए कार्निवल में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आयोजकों का दावा है कि कार्निवल निश्चित ही जालंधर वासियों के लिए बेहद खास और यादगार रहने वाला है, इसीलिए उन्होंने जालंधर वासियों और इसके साथ सटे क्षेत्रवासियों को बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल विज है, तो अज तुम मैं फिशिज बारे दसन लगा है। जो साढ़े को इतने फिशिज अपना डिस्प्ले तो लगाइया ने, ये फिश जी है इनू ऑस्कर फिश कहते हैं, तो टाइगर ऑस्कर है। ये अलग अलग टाइप दिशिज है जी, ऑस्कर के अलग अलग कलर से जी अलग अलग ब्रीड है। इस तो बाद साढ़े को एक गप्पी फिश है, ये काफ़ी छोटे साइज की रहती है फिश, तो छोटे एक्वेरियम लिए फिशिज जिदा रखना चाहते हैं उस चीज़ लिए है। तो ये बाद मिल्की कार्प आती है, ये काफ़ी वड्डी साइज दियाँ हो जाती हैं, तो इन्हों तुसी जिदा वड्डे टैंक दे विच रखना चाहो वो भी रख सकते हो। ये मौली फिश है, ये काफ़ी छोटे साइज की फिश रहती है, ज़्यादा वड्डा साइज नहीं होंदा इहदा। तो इनू गोल्ड फिश कहते हैं, तो गोल्ड वरायटी की एक ब्रीड हैगी है, इनू ऑरेंज गोल्ड कहा जाता। तो उसके बाद ये फिश आती है इनू ब्लैक गोल्ड कहते हैं, तो ये भी गोल्ड फिश की ब्रीड है। तो उसके बाद गोल्ड फिश की एक और ब्रीड आती है रेड कैप गोल्ड आती है। फिशिज की एंड नहीं है, इतने काफ़ी तरह ने, जो मैक्सीम आप जिनी कवर कर सकते हैं उन्नी तुम दिखा रहे हैं, जिन्या आप इतने अवेलेबल कर सकते हैं। तो इनू प्लैटी फिश कहते हैं, रेड प्लैटी कहते हैं, ये भी मौली की ब्रीड के आती है। तो उसके बाद ये आ जाती है कार्प दे, कोई कार्प की ब्रीड के जैपनीज कोई कार्प हैगी हैं। तो उसके बाद आ जाती है ईल फिशिज आदि हैं, स्नेक फिश जिन्हों कहा जाता है, अक्सर तुम देखा होगा ईल फिश या स्नेक फिश के नाम तो। उसके बाद ये आती है कोई कार्प, ये इंडियन कोई कार्प हैगी हैं, जेडे जैपनीज कोई देखी वे इंडियन ब्रीड की कोई कार्प हैगी हैं। उसके बाद गोल्ड फिश के एक होर आती है श्वेंकिन गोल्ड फिश कहते हैं इनू, जिन्हों कई बार मल्टी कलर गोल्ड भी कहा जाता है, ये फिश है। तो उसके बाद ही कोई कार्प की एक होर ब्रीड आती है ऑरेंज कोई वगैरह वाइट कोई, ये बिग साइज की कोई कार्प हैगी हैं, ये ऑरेंज कोई है, वाइट कोई है, जैबरा कोई है और ब्लैक डॉट्स कोई हैगी है। उसके बाद ये एक होर ये आती जैपनीज कोई देनू कबाता कोई कहा जाता है, ये भी कोई की ब्रीड हैगी है। उसके बाद एक्वेरियम की ब्लैक कोई ब्लैक शार्क्स आदि जी तुम पहले देखी हो छोटे साइज दी, बिग साइज दी ब्लैक शार्क्स है। उसके बाद आ जाती है टिम फॉइल बार बिग साइज दी, हाँ जी इस साइज एक फिट प्लस साइज हो जाता है इन्हों का, तो सेम इसी तरह 15 इंच तक साइज इन्हों का भी ग्रो करता है। कोटकपुरा और बहबल कलां गोलीकांड सहित नशों के एक और मामले में नामजद आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी गई है, जिसके बाद आईजी उमरा नंगल सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु घर में माथा टेक वाहे गुरु का शुक्राना अदा किया और गुरबाणी का श्रवण भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके लिए वे गुरु रामदास जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, अगर उनसे अनजाने में कोई भूल हो गई है तो उसके लिए वे माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद मीडिया के किसी और सवाल का जवाब देने से वे भागते नजर आए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो कल डिसीजन आया, सो गुरु रामदास पातशाह का धन्यवाद करना है, उन्हों का आशीर्वाद लेना है, और जे कोई मेरे को जाने जाने भुल चुकी होगी मैं उसकी माफ़ी मांगना। अमृतसर से कांग्रेसी सांसद गुरजीत सिंह ओजला तारावाले पुल पर नहर का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी कमिश्नर अमृतसर और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नहर का पानी लगातार दूषित हो रहा है, क्योंकि लोग इसमें कूड़ा करकट के अलावा अन्य घर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियां और हार इत्यादि लाकर प्रवाहित करते हैं, जिसके चलते ये पानी दूषित हो रहा है, जिसके चलते नहर की सफाई का काम शुरू किया गया है। इस मौके पर सांसद ओजला ने कहा कि लोगों द्वारा इस नहर को अपवित्र किया जा रहा है, भ्रमों के कारण लोग इस नहर में सामान इत्यादि प्रवाहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र शहर में रहते लोगों की सोच इतनी गंदी है कि वे सोच भी नहीं सकते। इस गुरु की नगरी में श्री हरिमंदिर साहिब दुर्गियाणा तीर्थ वाल्मीकि तीर्थ स्थान है और ये पवित्र जल इन सरोवरों में जाता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि जो भी इस नहर में कूड़ा करकट या घर का सामान लाकर फेंकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य के चलते इस पवित्र पानी को साफ रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पवित्र जल मिल सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज जिहड़ी बल्ले दे नाल नहर हुंदी हुई तरन तारण रोड नूं जांदी अमृतसर दे नॉर्थ साइड दे उत्तों, उस नहर दे उत्ते कुछ दिन पहले साडे सोनू जी मेरा बहुत परम मित्र है और समाज सेवक है, उन्हें एक दस्या कि इत्थे नहर च बहुत गंद है, किसी कारण करके किसी की वेट करके इत्थे खड़े सन। सो मैं उस वेले परसों डी साहब दे ध्यान च लिया, कल डी साहब ने इहदा काम शुरू कराता, अज भी लेबर लगी है। इन्ना ज़्यादा गंद जिहड़ा लोगों ने महिमा भरमां दे करके इहदे च पाया, कुछ लोग जाण बुझ के अपना कूड़ा करकड़े दे सुट के चले जाते हैं। मैं मतलब कहना चाहुंदा कि इस पवित्र शहर दे विच रहिंदे होए भी तुहाडी सोच इन्नी गंदी है, मैनूं समझ नहीं आ सकदा। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत पवित्र सरोवर ने इत्थे साहिब श्री हरिमंदर साहिब श्री दुर्गियाणा तीर्थ वाल्मीकि तीर्थ की तुहानूं कुछ भी दिसदा नहीं गा, की तुहानूं कोई समझ नहीं पैंदी। सो जिथे प्रशासन अपना काम कर रहा है, मैं सख्ती दे नाल पेश आउण लई डी साहब नूं भी कहा और कमिश्नर ऑफ पुलिस नूं भी कहा कि जिहड़ा बंदा फड़िया गया कोई वहमा भरम च पा के जिन्हें भेजा तो वहम भरम पाउण वाले दे उत्ते भी कार्रवाई होगी जे पाणी गंदले कीते साडे। प्लस जिहड़े बंदे कोई अपना कूड़ा सुट के जाते हैं, कोई फुल हार इकट्ठे करके सुट के जाते हैं, उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई होगी। उन्होंने विखाओ आ फुल हार जिहड़े तुसीं देवतियां दे मूर्तियां दे उत्ते पा के इत्थे सुट्टे, उन्हां दी हालत वेखी जा के किन्ना नरक आ, इहदे नूं ते अपने घर सका लो, इहदे खत्म हो जाणे। पर इहदे नाल किड्डा वड्डा नरक बणिआ पिआ, स्मैल वक्री है, पाणी वक्खरा खराब हो रिहा, हवा वक्री खराब हो रही है, धरती वक्री खराब हो रही है। सो मैं इस पवित्र शहर च रहण वाले लोगों को भी कहना, तुहाडे आंढ गुआंढ कितने भी पता लगता सानू दसो, जिहड़ा बंदा इहो जिहियां कारवाइयां कर ली तुहानूं आंदा कि चलदे पाणी च जाके नहरां च जाके गंद पाओ, असीं उहनां ते पक्के तौर पर परचे दर्ज होणगे, असीं जेलों बाहर नहीं निकल देना लोगों को, क्योंकि असीं नहीं चाहते कि साडे पुत्र पाणी को खराब करे, साडी हवा खराब करे। बिल्कुल मैं नहीं वेख्या, जो सरकारी गड्डी सुट्टी जाऊगी उसकी नौकरी भी खावांगे, उसकी नौकरी से भी नहीं उन्होंने कर देंगे। किन्ने मुलाजम लगनगे अपना हूँ पता नहीं, हूँ डिपार्टमेंट की फैसला करता। मैं अज जिते धार्मिक संस्था सारियों को बेनती करता कि आप अपने लोगों को समझाओ, गां लोगों के मैसेज दो कि यह काम ना हो, बहुत पानी गंदले हो रहे हैं, बहुत माड़ी हालत हो रही है, और पवित्र सरोवर ने तुहाडे को साडे को श्री हरिमंदर साहब सरोवर से दुर्गियाणे तीर्थ सरोवर वाल्मीकि तीर्थ सरोवर की असं उन्होंने पानी अपवित्र करेंगे। असी गुरु नानक साहब के मिशन फेल करन वाले बंद सख्त खिलाफ हाँ, जिहड़े वहमां भरमां विच पै के लोग इत्थे गंदगी पाउंदे उन्हां दे सख्त खिलाफ आ। जिहड़े चैनलों ने निजी चैनलों ने आण के साडी खबर विखाई ना, मैं दिल दीआं गहराइआं तों उन्हां दा धन्नवाद भी करदा ते परमात्मा उन्हां वीरां नूं उन्हां पत्रकारां नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखे। क्यों? क्योंकि जिहड़ा बंदा सच विखाउंदा ना उहदा रब भी साथ दिंदा। गुरु रामदास महाराज दी नगरी है, इस नगरी दे विच धन धन बाबा दीप सिंह महाराज ने अपना सीस भेट करता सीगा गुरु रामदास महाराज ने, किन्ना प्यार होगा, गुरु पीर पैगंबरां दी धरती आ, इन्ना प्यार सी ते तां ही सीस निशावर करता सी, ते साडे अंध विश्वास विच फसे होए लोकां दा कुछ नहीं बणना जिहड़े ते गंदगी पाउंदे आ। ते जिहड़े मीडिया वाले वीर आए आ जिन्हां ने साडी पहलां वी मदद कीती निजी चैनलां दे, मैं दिल दीआं गहराइआं तों उहनां दा धन्नवाद करदा। तुसीं भराओ अगे वी साडा साथ इदां ही दे रहे हो।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर में कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने स्व सशक्तिकरण विषय पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर जालंधर के प्रमुख डॉक्टर्स, बुद्धिजीवी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित रहे। डॉक्टर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हमारे मन, शरीर, भावनाओं और संबंधों को सकारात्मक परिवर्तन आता है। विज्ञान और आध्यात्मिक के अनोखे गठबंधन को उन्होंने सुंदर जीवन के लिए आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि एक खुशनुमा जीवन के लिए संबंधों में मधुरता, सहयोग की भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव अरोड़ा, डॉक्टर सुषमा चावला, डॉक्टर दीपक चावला, डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर एमएस भूटानी, डॉक्टर वीपी शर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर दीपक मोदी, डॉक्टर बग्गा, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर दीपाली लूथरा, डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज, आरएसएस प्रमुख प्रमोद, डॉक्टर आरएस वत्सन, डॉक्टर दीपक चावला सहित कई नामी डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी और दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर से मिलकर। दोस्तों, हमारा जीवन जो है हमारे संकल्पों का ही कॉन्सिक्वेंस है। आज हम डिजीज़ की बात करते हैं तो वो दो शब्दों से बना है, डिस और ईज़। ईज़ यानी कम्फर्ट, यानी सुकून जब हमारे मन से चला जाता है। दोस्तों, आज अगर हम अपने संकल्पों को परिवर्तित करते हैं तो उसके द्वारा ना केवल हमारा मन लेकिन हमारा शरीर भी परिवर्तित हो जाता है, हील कर जाता है। और इसी शक्ति को जागृत करने के लिए, लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। दोस्तों, आप देखिए कि जिस प्रकार जीवन में तीन आधार स्तंभ माने गए हैं, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, उसी तरह इस डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट को हम अपने शरीर के लिए तो यूज़ करते हैं। शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, शरीर को अच्छा हम लोग व्यायाम कराते हैं और शरीर को हम नींद भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने संकल्पों को भी अच्छा भोजन दें, अपने संकल्पों को हम अच्छी एक्सरसाइज, लोगों के लिए अच्छा सोचना सिखाएं, अच्छा उनके लिए करना सिखाएं दोस्तों, और दोस्तों केवल नींद शरीर के लिए नहीं लेकिन अपनी आत्मा, अपने मन को भी योग और मेडिटेशन के द्वारा उसको सुकून में रहना सिखाएं। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत ही एक वंडरफुल और पावरफुल प्रोग्राम हुआ, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं उसके ऊपर विशेष हमारे बीच डॉक्टर मोहित गुप्ता जी आए थे। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के द्वारा और भी उन्होंने जो जो जीवन में दुख पाया, फिर उससे कैसे मुक्ति पाई, बीमारियों से कैसे मुक्त हुए, वो सारा उन्होंने अनुभव सुनाया। क्योंकि राजयोग एक ऐसी कला है जो हमारे अंदर जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको बाहर निकालते हैं और हम जितने भी जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति एक वो पावर है कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं, समाज को अच्छा बना सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर क्लास हुई और हम सब चाहते हैं कि सभी राज्यों मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने मन की जो अंदर शक्तियाँ हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाए। माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लंबा पिंड चौक में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सबसे पहले मुख्य यजमान सुरेंद्र सिंह बावा से वैदिक रीति अनुसार गौरी गणेश नवग्रह पूजन उपरांत ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस सप्ताह श्री शनिदेव महाराज के हवन यज्ञ एवं जाप उपरांत माँ बगलामुखी जी के निमित्त भी माला, मंत्र, जाप एवं हवन यज्ञ में विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत धाम के सेवादार नवजीत भारद्वाज ने कलयुग की दुनिया में सांसारिक आकर्षणों के प्रभाव में आकर मनुष्य भटक जाता है, ऐसे में धर्म ही मनुष्य का मार्गदर्शक, सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए हमें धर्म से जुड़े रहना अति आवश्यक है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, कौर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, अवतार सैनी, एडवोकेट राजकुमार जानू, राकेश प्रभाकर, रिंकू सैनी, बलजिंदर सिंह,
अजीत कुमार, केतन शर्मा, अमन सुखा, समीर कपूर, अमरजीत सिंह, चेतन, विनोद खन्ना, अभिलक्ष्य, चुघ, सुनील, राजीव, राजन शर्मा, प्रिंस ठाकुर, बलदेव सिंह, दिशांत शर्मा, विजय, सौरभ मान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव और ठंड भी ठंडा मारदा और नाल नाल बरसात पर जेडे भगत है वह भी भगवान जी अज यही कह रहे हैं भी महाराज थोड़े तो अज कृपा लैके जानी है और थोड़ा आशीर्वाद अज असी ग्रहण करके जाना और साड़ी सारी समूह सेवादारा वालों एक करबद्ध प्रार्थना है कि हर शनिवार को सवेरे 7 to 8 निःशुल्क बिना किसी पैसे तो हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा माँ बगलामुखी धाम गुरमोर सिटी। आप भी आओ अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के ये जड़ा मौका है ये प्रभु जी की जड़ी कृपा है इनू प्राप्त करो। महाराज जी के निमित्त जो श्रृंखलाबद्ध हवन किए जाते हैं हर शनिवार को उस कड़ी के हवन कर गया और जोड़े भगत थे वो सवेर में जो मंदिर परिसर में पहुँच गए थे बारिश होने के बावजूद ठंड होने के बावजूद भी सारे भगत जो सवेर में मंदिर परिसर में पहुँच गए और उन्होंने शनिदेव जी का जोड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने मैं ये भी गल कहनी चाहना कि माँ बगलामुखी धाम जोड़ा कि गुरमोह सिटी लम्मा पिंड चौंक को स्थित है उत्थे नवग्रह मंदिर जोड़ा उसकी स्थापना की जा रही हैगी है और उन्हें सारे जोड़े अपने नौ के नौ ग्रह है उन्होंने जोड़ा उत्थे मूर्ति स्थापना की जाएगी और सारे भगतों को बेनती की जाती हैगी है कि कोई भी भगत जोड़ा नवग्रह मंदिर के लिए स्थापना हो रही है कोई भी दान जिदा कि सीमेंट है स्टील है या कोई पैसे है या कोई भी जी चीज़ वस्तु दान करनी चाहता है वो मंदिर परिसर के नवजीत जी कपूर साहब या किसी भी सेवादार को संपर्क कर सकता है और उत्थे आके वो प्रभु जी का आशीर्वाद लवे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में शमशेर कैंसर अस्पताल की ओर से श्री राम भक्तों के सहयोग से अर्बन एस्टेट फेस 2 स्थित शमशेर कैंसर अस्पताल के नज़दीक विशाल लंगर लगाया गया। इस लगाए गए लंगर की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर की। उन्होंने इस धार्मिक कार्य के लिए सभी श्री राम भक्तों को बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रदीप सिंह, डॉक्टर माधव शर्मा, डॉक्टर मोनिका ढल, इंद्रजीत सिंह सोनू, इंद्रपाल सिंह, राजवीर सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुखविंदर सिंह सुभाष, पंडित आचार्य योगेश कुमार शुक्ला, पंडित राम गोपाल सहित श्रीराम भक्त शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जी, अज शमशेर कैंसर हॉस्पिटल ते शमशेर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स ते फ्रेंड्स वालों जिहड़ा 22 जनवरी नू मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया अयोध्या विखे
ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਵੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की तरफ से 12 फरवरी से 18 फरवरी तक साईं दास स्कूल ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। इस आयोजन में जालंधर पंजाब में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी आ रही। तैयारियों संबंधी पत्रकारों को जानकारी देते हुए श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर केंद्रीय से विधायक रमन अरोड़ा, महेश मखीजा, राजू मदान, राहुल बाहरी ने बताया कि श्री कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार की ओर से जालंधर में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जया किशोरी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन साईदास स्कूल की ग्राउंड पटेल चौक में 12 फरवरी से 18 फरवरी शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रत्येक दिन भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का वर्णन किया जाएगा और 18 फरवरी को इस कथा का समापन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कथा में आने वाले श्री कृष्ण भक्तों के बैठने के लिए सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाएगा जो वाटरप्रूफ के साथ साथ सभी के आकर्षण का केंद्र बनेगा। विधायक रमन अरोड़ा ने बताया कि इस बार होने वाली दूसरी श्रीमद् भागवत कथा इतिहास रचेगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था श्री देवी तालाब मंदिर सहित साईदास स्कूल के आसपास के धार्मिक संस्थानों में होगी। उन्होंने सभी शहरवासियों को कथा में उपस्थित होकर प्रभु चरणों में हाजिरी लगवाने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा और कुश चावला की रिपोर्ट। एक बार फिर श्रद्धालुओं को भागवत कथा नाल जुड़न वास्ते कष्ट निवारण बालाजी सेवा परिवार वालों एक वड्डा उपराला किया जा रहा है। इसी उत्ते गलबात करने लई साडे नाल मौजूद है सेंटर हलके के विधायक रमन अरोड़ा जी। गलबात करने रमन जी, एक बार फिर वड्डा उपराला जिहड़ा है किया जा रहा। सब तो पहला सारी संगत नूं जय श्री राम, जय श्री बालाजी। श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद के नाल श्रीमद भागवत कथा 12 फरवरी तो लैके 18 फरवरी तक साईंदा स्कूल ग्राउंड पटेल चौंक जलंधर विखे हो रही है। उस उपलक्ष्य दे विच अज सारा इकट्ठ कीता गया। जिहड़ा पंडाल लगाया जाएगा किन्ने बाय किन्ने दा होएगा? ये शुरुआती तौर पर जिहड़ा पंडाल है 120 फुट चौड़ा और 260 फुट लंबा वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है। जय किशोरी नूं सुनने वास्ते काफ़ी संगत बाहरों भी आएगी, उन्हां लई सेफ्टी लई की इंतजाम किए गए ने? डीसी साहब, पुलिस कारपोरेशन, पुलिस कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर, सिविल सर्जन साहब, SDM साहब, फायर ब्रिगेड, हर चीज़ नूं असीं लैटरां लिख के भेज दिते। उन्हां दी सारी सुरक्षा जिहड़ी है यकीनी बनाउण वास्ते असीं सारा उन्हां दे नाल इक मीटिंग भी कर ली है, जिहड़ा वधिया अच्छे तरीके दे नाल सारा कार्ज होएगा। जिहड़े श्रद्धालु बाहरों आणगे उन्हां दी ओह कित्थे ठहराए जाणगे? जिहड़े भगत बाहरों आणगे उत्थे श्री देवी तला मंदिर भी जगह वा, पंडाल दे विच वी आ, और पंडाल दे आले दुआले काफ़ी जिहड़ियां जगह असीं लित्तियां वा उत्थे संगत आ के रुक सकदी। जय किशोरी नूं सुनने वास्ते संगत तां काफ़ी आएगी, मगर पार्किंग दा की अरेंजमेंट होएगा, ओह कित्थे कित्थे होएगा? पार्किंग बिल्कुल जिथे ग्राउंड है उहदे बिल्कुल सामने साईंदा स्कूल दी दूसरी ग्राउंड है, उत्थे बिल्कुल फ्री पार्किंग दा असीं प्रबंध कीता। पब्लिक दी उत्थे गड्डियां काफ़ी लग जाणियां, कोई भी उत्थे वैले पार्किंग होएगी, किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आन दित्ती जाएगी। होर श्रद्धालुआं वास्ते की फैसिलिटियां इंतजाम कीते गए ने? देखो श्रद्धालुआं वास्ते उत्थे एक तो असीं मैडिकल कैंप उत्थे लगाने, एंबूलेंस उत्थे साडी रहेगी तां कि किसे कोई अनपछाती घटना ना वापर सके। उस तो बाद बिल्कुल तरीकेमंद असीं पासिस बनाए हैगे जिहदे नाल बिल्कुल सहूलत दे नाल पब्लिक आराम नाल अपनी अपनी सीटां ते बैठ जाएगी, और बजुर्गों वास्ते हर वार्ड दे विच
हर ब्लॉक जो अभी बनाए तो 2500 कुर्सी जी बजुर्गों से बैठने वास्ते अभी बनाई है। कल पुलिस प्रशासन नाम ही देर रात थोड़ी मीटिंग हुई, मीटिंग के फैसले लिए गए? मीटिंग च फैसले नहीं होंगे, मीटिंग एक सहयोग होंगे जी, पुलिस तो असं सहयोग मंगया भी जी सारी व्यवस्था वा उन्होंने सुचारू ढंग चलाया जाए। जे गल करिए जय किशोरी सुनने वास्ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तो इलावा होर भी शख्सियत पहुँचन गिया? देखो असं अपने वालों सारे इनविटेशन दिते है, जिस तरह उन्होंने समय की सहूलत होगी उस हिसाब न सारे ही नतमस्तक होने वास्ते आने। इसी सेंटर हल्के के विधायक रमन अरोड़ा जी जिन्होंने कहा कि एक बार फिर उपराला जिहड़ा हैगा श्रद्धालुओं नूं जोड़न वास्ते कीता गया। कैमरामैन जतिन दे नाल विनय शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी जलंधर। डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर विजय कुमार जैन और डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जैन की माता उषा रानी जैन पंच तत्व में विलीन हो गई है। स्वर्गीय उषा रानी जैन की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा कपूरथला चौक पर स्थित महावीर जैन भवन में आयोजित की गई। इस मौके पर उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, विमल प्रकाश जैन, सुखदेव सिंह, कोमल जैन, सुनील जैन, मुस्कान जैन और क्रांति जैन के अलावा उनके पारिवारिक सदस्यों में डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, डॉक्टर विजय कुमार जैन, मंजू जैन, सुनीता जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर तरुण जैन और अंजू जैन सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग के साथ साथ बड़ी संख्या में जैन समाज से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय उषा रानी जैन को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादी माँ का प्यार और दुलार मिला, हमारी दादी माँ के साथ बिताए हुए आखिरी कुछ दिन मैं शायद ही कभी भुला सकूं और खूब हर्षोल्लास से प्रोग्राम किया जाए, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण हॉस्पिटल जाने से पहले घर में ही स्व परिवार उनको स्वर्ण सीढ़ी आरोहण मनाया गया। उस वक्त परिवार की और उनकी खुशी का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जालंधर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 650 ग्राम हेरोइन बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से नई पहल सहयोग की शुरुआत। जालंधर लद्दे वाली फ्लाईओवर का विधायक रमन अरोड़ा ने किया अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ दौरा, उद्घाटन में आ रही दिक्कतों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।